नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कोरोना फोबिया और समाधान में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। कोरोना वायरस के चलते अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इन पर यकीन करने वाले लोग बाहर कुछ भी खाने से डर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो घरों में कई कई महीनों का सामान स्टोर करने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वायरस के बारे में ना तो पूरी जानकारी है और ना ही उन्हें क्वारंटाइन के बारे में कुछ पता है, लेकिन इनका नाम सुनकर लोग डरने लग रहे हैं। ऐसे में एम्स के मनोविशेषज्ञ डॉक्टर जवाहर सिंह का भी कहना है कि लोगों को डरने के बजाय जागरूक होना बेहद जरूरी है और खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना होगा। इसके साथ ही मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कभी किसी चीज को लेकर जल्दी घबराता भी नहीं है, बल्कि उससे बचाव और निपटने के बारे में भी सोचता है। इसके साथ ही पहले उन्होंने कोरोना और क्वारंटाइन पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मनोवैज्ञानिक अंकुश वर्मा जुड़ गई हैं। अंकुश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है डीएनएन में। अपने सभी दर्शकों को हम बता दें कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिन पर आप तुरंत कॉल कर सकते हैं और सीधा संपर्क कर सकते हैं मनोवैज्ञानिक अंकुश वर्मा जी से। अंकुश जी, लगातार कोरोना का खौफ लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग अब जो सब्जी विक्रेता ठेले वाले गली मोहल्लों में भी आते हैं, उनसे भी सामान लेने में परहेज कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये डर का मनोविज्ञान है। जो बाहर हमारी परिस्थितियां चल रही हैं, उनके चलते डरना बिल्कुल स्वाभाविक है। सबके मन में ये भय है कि कहीं ये COVID-19 हम पे तो अटैक नहीं कर देगा या हमारे किसी प्रियजन पे तो अटैक नहीं कर देगा, तो ये डर होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम क्या करते हैं, हमारी जो डर का मनोविज्ञान है वो क्या करता है कि हम इरेशनल थॉट्स अपने मन में कर लेते हैं कि जैसे हमने सब्जी विक्रेता से सब्जी खरीदी, इस सब्जी वाले को हो सकता है COVID-19 हो, ये सब्जियों पे लगा होगा, उससे मुझे लग जाएगा, उससे मैं बीमार हो जाऊंगा, या इस तरह से चेन ऑफ थॉट्स जो है ना, वो नेगेटिव चेन ऑफ थॉट्स चलती रहती हैं और वो क्या करती हैं, हमें बहुत डरा देती हैं। तो ये जो अभी जो चल रहा है, ये वास्तव में इसी तरह का क्रम चल रहा है कि हम इरेशनल थॉट्स की एक कड़ी चलती जा रही है हमारे मन में, और उसके एंड में जो होता है वो एंड हम जहां होता है वहां हम अपने आप को तनाव में और डाल देते हैं। जी बिल्कुल अंकुश जी, जिस तरह से ये इरेशनल थॉट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अफवाह भी लगातार फैलाई जा रही है जिसकी वजह से ये थॉट्स अपने आप पनप रहे हैं, तो फिलहाल क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें अफवाहों पे ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। हमें चौकन्ना होके खुद सोचना पड़ेगा कि हम कौन से समाचार को हम अपने आत्मसात करें, सीरियसली लें, और किसको हमें और कंफर्म करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। किसी ऑथेंटिक संस्था से अगर ये समाचार आ रहा है तो ही हम उसको लें, और व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे बहुत तरह की फेक न्यूज चलती हैं, उनको हमें फिल्टर करना चाहिए, उन्हें हमें छोड़ना चाहिए, उसको डबल ट्रिपल क्रॉस करके ही हम उसको आगे फॉरवर्ड करें या उस पर विश्वास करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अफवाहों को सुन के हमारे एकदम से फॉर सेकंड, जैसे ही हम कोई समाचार पढ़ते हैं तो हमारे दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है और हम बिल्कुल घबरा के डिसीजन लेते हैं। हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, अपने दिमाग में बिठाना चाहिए कि शांत और स्वस्थ मन वो हमें सही निर्णय की ओर प्रेरित करता है, जबकि डरा हुआ और घबराया हुआ जो मन होता है वो कई बार हमें किसी गलत काम की तरफ ही प्रेरित करता है, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मन को शांत रखिए, जो अफवाह है उस पर ध्यान न दें, और कोशिश करें कि हम ऑथेंटिक समाचार ही, जो अधिकृत संस्था है उनने यदि ये समाचार दिया है तो उस पर ही हम विश्वास करें। जी अंकुश जी, कोरोना के साथ साथ अब जिस तरह से ये शब्द सामने आ रहे हैं कि आइसोलेशन, क्वारंटाइन, इनको सुनने के बाद भी लोग अपने अपने दिमाग में, हालांकि लोगों को इस के बारे में बेशक से जानकारी ना हो कि आइसोलेशन क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद वो दिमाग में बहुत सी चीज अपने आप घर कर रही है। बिल्कुल, मैंने पिछले कुछ दिनों में ये सुना था, व्हाट्सएप पे समाचार मतलब मैसेज आ रहे थे कि ये हमारे जो संस्कृति में जो सूतक चलता था ये लगभग वैसा ही है।
पर क्या है, जिस शब्द को हम सुनने के आदि रहते हैं हमारी मानसिकता उसको लेके घबराती नहीं है और वैसे एडेप्ट कर लेती है, लेकिन जो एकदम से नए शब्द आते हैं वो हमारा जो मन है वो उसको एडेप्ट नहीं करता, हमारा दिमाग। तो एकदम से नए शब्द सुन के घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। हालांकि अब ये उतना नया रहा नहीं है, पिछले 2 महीने से लगातार क्वारंटाइन आइसोलेशन ये चल रहा है ये शब्द, तो उतनी घबराहट नहीं ये पैदा करते हैं। लेकिन हमें पहली बात इस शब्द से तुरंत हमें डरना नहीं है, दूसरी बात यह है कि हमें समझना होगा कि ये आइसोलेशन क्यों आवश्यक है। ये आइसोलेशन आपके अपने लिए बहुत आवश्यक है, आपके परिवार के लिए आवश्यक है, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, तो ये इस चीज को लेके अपना मोटिव थोड़ा हाई रखना चाहिए अपना। यदि हम इसके बड़े उद्देश्य को समझेंगे तो तुरंत हम नहीं घबराएंगे। रितु जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हमारे मन में अंदर सेल्फ टॉक बराबर चलती रहती है, कोई भी बात होती है, कोई भी घटना है, उसमें सेल्फ टॉक चलती है। तो हमें ये प्रैक्टिस करना होगा कि हम नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोकें, जितना हो सके नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोक के उसको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएं यदि हम, तो उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और हम सही काम कर पाएंगे और डरेंगे भी नहीं। अंकुश जी, कोरोना के इस दौर में या नॉर्मल डेज की भी अगर बात की जाए तो हम अपने जो खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा रितु जी। क्या होता है, जनरली हमारी ना डेली रूटीन की बात होती है, डेली हैबिट्स की बात होती है। हम ये बात करते हैं कि हमारी हैबिट सुबह जल्दी उठने की है, कि रात को देर तक जागने की है, इन हैबिट्स पे चर्चा बहुत होती है, लेकिन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पे चर्चा नहीं होती है, पॉजिटिव मेंटल हैबिट्स की चर्चा नहीं होती है। जिस तरह से हम शारीरिक जो बाहरी अपना टाइम टेबल है, बाहरी हैबिट्स जो है वो बना सकते हैं, ऐसे ही हम मेंटल हैबिट्स भी डेवलप कर सकते हैं और ये हमको अभी शुरू कर देना चाहिए। ये मेंटल हैबिट्स जो है वो हमको सबसे पहले उसके लिए हमें अपनी हैबिट्स के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है वो किस तरफ जाता है। स्वाभाविक रूप से वो नेगेटिविटी को ज्यादा ले रहा है या वो बैलेंस है या पॉजिटिविटी की तरफ है, हमें इसका आकलन स्वयं करना चाहिए। हमें एक रिकॉर्ड रखना चाहिए कि व्हाट आर आवर मेंटल हैबिट। किसी भी अनायास परिस्थिति में हम कैसा सोचते हैं, दूसरों का जो व्यवहार है हमारे प्रति उसको देख के हम तुरंत रिएक्ट करते हैं या हम थोड़ा रुक के ये सोचते हैं कि सामने वाले का नजरिया क्या है। इस तरह से हमें अपने मेंटल हैबिट्स पे बराबर ध्यान देना होगा और जब हम उसको अपने एक नोट डाउन कर लें, डायरी में किसी कागज पे हम लिखें कि हम ऐसा कैसे करते हैं या हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जब आप उसका आकलन करेंगे, जब आप उसको देखेंगे और फिर उसमें सुधार योग्य पॉइंट्स भी आप स्वयं ही लिखें कि नहीं, मुझे इसको इस तरह से करना है, अब मैं अगर कोई इस तरह की परिस्थिति होगी तो मैं इस तरह से व्यवहार करूंगा या करूंगी, जब हम इस तरह से अपनी हैबिट्स पे ध्यान देंगे तो पॉजिटिव मेंटल हैबिट्स डेवलप होंगी। और रितु जी, ये जो पॉजिटिव मेंटल हैबिट्स है ये जब हम डेवलप करना शुरू कर देते हैं और ये एक बार हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है तो कभी भी जब भी विपरीत परिस्थिति अनायास खड़ी हो जाएगी, ये मेंटल हैबिट्स हमें जरूर सकारात्मक एनर्जी देगी, सकारात्मकता देगी। बिल्कुल अंकुश जी, मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कभी किसी चीज को लेकर जल्दी घबराता नहीं है, बल्कि वो सोचता है कि इससे किस तरह बचाव करें और किस तरह से हम निपट सकते हैं। लेकिन कई केसेस में देखा जाता है कि जब किसी के अंदर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हावी हो जाते हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता, मन में ठान लेता है कि मुझे उससे बाहर ही नहीं निकलना है, तब क्या कुछ कर सकते हैं? जी, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमने जो एक बार नेगेटिव थॉट हमने जो भी सोचा है, जो भी हमारे मन में गया है, इसने हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में एक आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। कई बार तो क्या होता है, जब हम कंटिन्यूअस नेगेटिविटी सोचते रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क का कुछ हिस्सा विकृत हो जाता है और हम उसी तरह से सोचने के आदि हो जाते हैं, तो हम स्वभाव से ये कोशिश भी नहीं कर पाते स्वाभाविक तौर से कि हम इससे स्वयं बाहर निकलने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी ये
लचीलापन होता है हमारे दिमाग में, फिर भी लचीलापन होता है कि हम जरा उसको पॉजिटिव की तरफ थोड़ा भी मोड़ने की कोशिश करेंगे तो दिमाग और ज्यादा हमें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो हम इस अगर हम अकेले हैं तो हम स्वयं, जैसा मैंने आपको कहा कि हम आकलन करें और देखें कि हमारी हैबिट, हमारा स्वभाव कैसा हो रहा है। और अगर हमारे साथ कुछ लोग हैं तो परिवार के लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि अरे ये तो उसका स्वभाव ही ऐसा है, ये बोल के नहीं छोड़ें, बल्कि कोशिश करते रहें कि उसको हम पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ें। और हम स्वयं बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, इनको एंग्जाइटी हो रही है, हो रहा है, तो किसी ट्रेंड काउंसलर या मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक की सलाह लें। जी लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक घरों में बंद रहने से लोगों के दिमाग पर खासा असर फिलहाल देखा जा रहा है, जिस तरह की लगातार खबरें आ रही है जिसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ रहा है। तो क्या कुछ लगता है कि ये असर जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद भी बना रहेगा और इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा उस दौरान? जी इसके पहले हमें डरने के पहले हमें थोड़ा डर की मानसिकता को समझने की जरूरत है कि डर में हमारा मन मस्तिष्क काम, जैसे ही अचानक कोई डरावना स्टिमुलस हमारे सामने होता है या डरावनी परिस्थिति हमारे सामने निर्मित हो जाती है तो हम उससे घबरा जाते हैं। जैसे ही हम उससे घबरा, सबसे पहले ये लाइफ थ्रेट है, जिंदगी का बचाव, जिंदगी की जरूरी है, तो हमारे जो ब्रेन उसका एक लिम्बिक क्षेत्र कहलाता है वहां से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन अनायास ही क्या अपने फ्लो से ही वो ब्लड से सर्कुलेट होते हैं तो हृदय की जो पंपिंग है वो बढ़ जाती है, हमारी जो दिल है वो तेजी से धड़कने लगता है, हमारी सांस तेजी से चलने लगती है, फूल जाती है। इसके अलावा रक्त की जो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जो रक्त की धमनियां जा रही हैं वो चौड़ी हो जाती हैं और मांसपेशियों में वो मांसपेशियां जो है वो एक्ट करने के लिए तैयार होती हैं तो उनमें भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ताकत ज्यादा आ जाती है, अकड़न सी होती है। ये सारी जो रिएक्शन है इसको फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म कहते हैं। ये एक स्वतः रिस्पॉन्स होता है हमारे शरीर का, हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है ये किसी भी या किसी भी भयावह से। लेकिन अब आपके शरीर ने उस भयावह समाचार, किसी भी डरावने समाचार को सुन के ये तैयारी तो कर ली, लेकिन अब सामने तो आपको कोई दुश्मन, कोई कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या होता है कि ये हमारे शरीर में ये परिस्थिति बनी रहती है और एक फ्रस्ट्रेशन सा डेवलप होने लगता है। यहाँ एक दूसरी बात और होती है, अगर ये प्रोलॉन्ग्ड रहे, ये स्थिति बार बार निर्मित हो रही है या बहुत समय तक चल रही है, तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी विपरीत जो रिएक्शंस हैं वो होती है। हमारा शरीर पूरे समय इस एबनॉर्मल कंडीशन में नहीं रह सकता, ये उस समय की परिस्थिति है जब वो हमें लड़ने के लिए हमारा दिमाग तैयार कर रहा है, लेकिन जब ये परिस्थिति प्रोलॉन्ग्ड है तो ये बहुत सारे नेगेटिव असर हमारे अंदर डालती है। हम बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए अपने शरीर को बड़े आसानी से ससेप्टेबल बना देते हैं, जैसे हार्ट की बीमारियां हैं या एस्थमा है, अल्सर है, आंत की बीमारियां, इन सब के लिए परिस्थिति निर्मित हो जाती है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अंदर ये डरावनी परिस्थिति निर्मित ना होने दे। अब यहाँ एक सवाल आप मुझसे कह सकते हैं कि नेगेटिविटी से हम अपने दिमाग को कैसे हटाएं यहां से, ये तो बहुत आसान नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा वो देना चाहूंगी, टिप देनी चाहूंगी कि क्या होता है, दिमाग जो है वो एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरह कार्य करता है और इस प्रोसेसिंग यूनिट में जो इनपुट होती है वो हमारे ज्ञानेंद्रियां होती है, जैसे हमारी आंख और हमारे कान। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो डरावनी परिस्थितियां निर्मित कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, दिमाग पे हमारा बस नहीं है लेकिन हमारे इनपुट सिस्टम पे हमारा बस है। हम क्या देखें ये हमारे हाथ में है, हम क्या सुने ये हमारे हाथ में है, हम कितना देखें और कितना सुने ये सब हमारे हाथ में है। तो कोशिश कीजिए जो समाचार है, डरावनी जो बातें हम सुन रहे हैं उससे हम देगा।
जी अंकुश जी जो सीनियर सिटीजन है और कामकाजी पेशेवर भी हैं, वो नॉर्मल लाइफ ना जी पाने की वजह से महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो कैसे खुद को दूर रख सकते हैं उनसे अपने आप को? जो वृद्ध हैं उनके लिए भी एक उनकी जो वृद्धावस्था की मानसिकता है वो वैसे ही थोड़ा सा उनको प्रिपेयर करती है कि स्वस्थ रहना है हमें और तनाव नहीं लेना है। तो जो वृद्ध लोग हैं वो पहले से ही इसको काउंटर करते हैं, लेकिन अब चूंकि ये कहा गया है कि कोरोना वृद्ध लोगों को ज्यादा अपने असर में ले रहा है, COVID-19 जो है जल्दी उन पे अटैक कर रहा है, तो ऐसे में वृद्ध लोगों का डरना स्वाभाविक है। लेकिन यहां मैं ये जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा डरना चाहिए भी, तो इतना डरना जो हमें सावधान रख सके, इससे ज्यादा नहीं। डर अगर हावी होने लगे तो हमें, जैसा मैंने आपको अभी बोला कि हमारा ध्यान भटकाना पड़ेगा उसने समाचारों से, भयाक्रांत करने वाले दृश्यों से, और अपने दिमाग को सकारात्मकता की तरफ मोड़ना पड़ेगा। तो एक रेगुलर आप रूटीन जिए, योगा एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, और दूसरे जो अन्य एक्सरसाइज बताए जाते हैं वो एक्सरसाइज जरूर करें, डेली करें, साथ में ब्रेन के लिए भी काम करें, मस्तिष्क के लिए, शरीर के लिए तो काम करें मस्तिष्क के लिए काम करें। वृद्धावस्था में स्वाभाविकतः हमारा जो दिमाग है वो स्पिरिचुअलिटी के तरफ मुड़ जाता है, तो स्पिरिचुअली अपने आप को मजबूत करने की जरूर कोशिश करें इन सब, और साथ में खेलें जरूर, मनोरंजन जरूर करें, अपना परिवार वालों से बहुत सारी बात करें, क्योंकि जो टुगेदरनेस होती है, जो सोशल टुगेदरनेस होती है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करती है जो हमें फील गुड करता है, तो ये जरूर करें, ये इस परिस्थिति से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। जी अंकुश जी, बात तो ये सीनियर सिटीजन और उनकी जो पेशेवर से कामकाज के लिए पहले बाहर जाते थे, अब उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में जो महिलाओं का रोल काफी अहम हो जाता है और बच्चे भी घर में है, तो ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए? गृहणियों के साथ भी यही है कि गृहणियों के साथ एक सामान्य बात ये होती है कि वो अपना पूरा ध्यान अपने परिवार को बनाने में लगती है, किसको क्या चाहिए, किसकी क्या आवश्यकता है, पूरा फोकस उनका इस पे रहता है, और इन सब के चलते उनका अपने प्रति थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। गृहणियों की ये आदत होती है, स्वभाव से ऐसा होता है। तो गृहणियों से मेरा जरूर निवेदन ये रहेगा कि आप अपने परिवार के लिए जरूर सोचें, परिवार के लिए जरूर जो आप करना चाहें वो अवश्य करें, जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूर्ण करें, लेकिन आप अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी जरूर तय करें कि आपके शरीर के प्रति भी जिम्मेदारी आपकी अपनी ही है। तो पहले अगर हम रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों का ध्यान रख पाएंगे, लेकिन अगर हम ही स्वस्थ ना होंगे तो हम सबका ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो जरूर अपने ऊपर फोकस करें, अपनी मानसिकता का ध्यान रखें, अपने लिए कुछ समय निकालें। आजकल बच्चों में ये बहुत ज्यादा चलता है, मी टाइम, मी टाइम। किशोरावस्था के बच्चे अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि हमें मी टाइम चाहिए, तो मैं गृहिणी से भी कह रही हूँ कि अपने परिवार से बोलिए कि मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए, और उस मी टाइम में आप अपने शरीर के बारे में चिंता करें, योगाभ्यास करें, अपने शौक पूरे करें, और साथ में अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बिल्कुल अंकुश जी, आप फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अमरीश हुसैन, जो आपसे बात करना चाहते हैं। जी अमरीश जी, क्या कुछ सवाल है आपका? हेलो जी जी अमरीश जी, जी अमरीश जी, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ जी। अमरीश सिंह जी, पत्थर काम कर रहा है, बिल्कुल आर्मी से, एक्स-आर्मी से हूँ जी। आपका प्रोग्राम आ रहा था कि आती है क्या है, इसमें क्या करना चाहिए? वैसे मैं अभी आपके घूमने भी जाता हूँ, मान करना मार्ग से अपना खुद ले जाता हूँ। ऋतु जी, ऋतु जी, मुझे इनकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप प्लीज बताएंगे ये क्या पूछ रहे हैं? अमरीश जी, एक बार आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने जो टीवी का वॉल्यूम है उसे कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज जो संपर्क हो पा रही है, क्लियर नहीं हो पा रही है। हेलो जी, हाँ बोले जी, हाँ बोले। मैं अमरीश सिंह बोल रहा हूँ बॉम्बे से। जी जी बोले।
मैं वैसे से आपके टीवी में प्रोग्राम देख करके नंबर देख करके के आपको नई चीज बात बताना चाहते हूँ। एक्स आर्मी से हूँ जी। हाँ वैसे ठीक हूँ। इसका बचाव के लिए क्या कई बार बाहर जाना पड़ता है तो क्या किया जाए? मान के रखते हैं रिश्तेदार छाती बांध के रखता उसके ऊपर वो नाके भी चढ़ा लेते हैं जी। नहीं वो भी करनी पड़ी हमारे। बिल्कुल देखिए अमरीश जी, सबसे पहले तो आप अपने मन में ये स्वीकार कर लीजिए कि अब परिस्थिति काफी लंबे समय तक ऐसी ही रहनी है। तो जो हम पॉजिटिव हैबिट्स जो बना लेंगे कोविड से के खिलाफ लड़ने के लिए या कोविड से बचाव के लिए, वो ही हमें लंबे समय तक काम आने वाली है। तो सबसे पहले तो डरना बंद करिए, बिल्कुल मत डरिए। आप तो वैसे ही एक्स आर्मी मैन है और आपको मैं क्या सलाह दूं, आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं मोर्चे पे कैसे काम करना है। तो बिल्कुल आप किसी भी, जब आप फ्रंट पे होते हैं दुश्मन से नहीं डरते, तो यहाँ तो ये एक छोटा सा वायरस है, तो प्लीज इससे बिल्कुल ना डरे। और आप बाहर बेशक निकलिए लेकिन अपना प्रिकॉशन पूरा रखिए कि आप मास्क पहनिए और 1 मीटर की दूरी बनाए रखिए। और जहां तक मैंने पिछले कई समय में ऑब्जर्व किया है, शायद डॉक्टर्स इसको और कंफर्म कर पाए कि सामान जो हम खरीद रहे हैं या बाहर से हम कुछ चीज ला रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से कुछ दिन रख के या हाथ धो के, अगर कोई पैकेज चीज है तो उसके अंदर से हम निकाल के और हाथ धो के उससे बचाव कर सकते हैं। ज्यादातर जो कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं वो लोग हो रहे हैं जो इन पेशेंट्स के बीच काम कर रहे हैं या इनके साथ लंबे संपर्क में है। तो ऐसी अगर कोई परिस्थिति नहीं है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बेशक आप बाहर जाइए लेकिन लॉकडाउन नियमों का पालन करें, क्योंकि शासन ने कुछ सोच के ही ये नियम बनाए हैं और हमें उनको कॉपरेट करना ही है। तो आप लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए और बिना डरे बेधड़क आप बाहर जाइए, दूसरों को अवेयर करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जी अमरीश जी, अंकुश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आने वाले समय में लोगों पर पड़ने वाले जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रभावों से निपटने के लिए आप जनता को, दर्शकों को या फिर सरकार को किस तरह के सुझाव देंगे? जी सबसे पहले तो मैं ऋतु जी आपको ये बताना चाहूंगी कि समाज में हमको ये मानसिकता खत्म करनी होगी कि हमें किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास नहीं जाना चाहिए, हम पागल थोड़ी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो जिस तरह से हमारे तमाम शारीरिक विकार होते हैं, सर्दी जुकाम तमाम बीमारियां हमारी होती हैं, उसमें हम बेधड़क, जरा भी हमारे शरीर में कुछ एबनॉर्मल हुआ हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और दवाई लेते हैं, डॉक्टर से चर्चा करते हैं, कुछ नहीं तो नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हम हर तरह से उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारे मन में कुछ हो रहा होता है तो हमारे बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं कि अब हमें पता नहीं क्या हो गया है, अक्सर तो इसे रियलाइज ही नहीं करते हैं हम। तो इस स्टिग्मा को दिमाग से निकालिए और बेधड़क आप जाइए काउंसलर्स के पास में, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास में जाइए। और शासन से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे पास ट्रेंड जो मेंटल वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं जो ट्रेंड, उनकी हमारे देश में भारी कमी है। तो इस ओर सरकार जरूर कोशिश करे और इस बात की जनता में भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें कि आप बेहिचक, आप स्वास्थ्य जो इस पे काम कर रहे हैं क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक हैं या मनोचिकित्सक हैं, काउंसलर हैं, इनके पास आप जरूर जाएं और अकेले में बैठ के अपने आप को बिल्कुल ना डराएं, मुखर होके अपनी बात करें और आप स्वस्थ एक जीवन व्यतीत करें। बिल्कुल अंकुश जी, जिस तरह से लगातार ये कोरोना महामारी फैल रही है या फिर हम नॉर्मल डेज में भी मानसिक रूप से कई लोग बीमार होते हैं, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, कोई भी कदम उठाने से पहले कहीं ना कहीं हमें पहले अपने आप को ही जागरूक करना पड़ेगा, तभी शायद कुछ कदम सफल हो पाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़िए, आपका अंकुश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास प्रोग्राम कोरोना फोबिया और समाधान में आप सभी फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए जेएनएन के साथ। नमस्कार।